छे हम कहै छौ कि गहमन छी बरजिन मुड़ी देखै छै न पर नै नै गहमन नै छी अरे गहमन त हमरा ज्यादा छै न त साफ गहमन छी गहमन के बच्चा छी ठीक है क नै त गहमन रहतै त ठेप कर दितौ गहमन चल ले के कोरोना नै आइले त अंदर 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 ठंडा में चल ठंडा में अब उतना जल गई फेप फेप ना काटे अंदर घुस रहा स्टार्ट अंदर घुसे फिर गंजी में खोलिए इंडियन रेड स्नेक अभी चलते फिरते यहाँ पे भैया ने बोले तो अभी इसको रेस्क्यू किए हैं आराम से डब्बा में पैक करेंगे तो दिखा दीजिए सभी छोटे भाई लोग यहाँ हैं डब्बा डब्बा है चलाना वी हैव टू नीड डब्बा कुछ बोल भी दीजिए सर जी कुछ बोल भी दीजिए सर जी इसको आराम से डब्बे में पैक करेंगे और किसी जंगल में से छोड़ देंगे ताकि पर्यावरण में बचा रहे वैसे खतरनाक नहीं है ये किना जहर वाला सांप है इसको इंडियन रेड स्नेक और गांव में इसे धामन बोलते हैं कहीं कहीं जगह से घोड़ पछाड़ बोलते हैं बहुत जगह अंधविश्वास है कि ये बड़े सांप आदमी को या फिर गाय को पकड़ के उसका दूध पीते हैं तो ये पूरा पूरी अंधविश्वास है क्योंकि सांप में वो क्षमता ही नहीं है कि दूध को पचा सके अगर दूध पी ले सांप तो सांप तुरंत मर जाएगा तो सभी से अनुरोध है कि सांप को दूध पिलाने की कोशिश ना करें कभी सांप पानी पीते हैं तो कभी कभी कोई लोग उसे दूध देते हैं तो सांप पानी समझ के उसे पी लेते हैं जिससे कि सांप की मृत्यु हो जाती है तो कोई भी सांप दूध नहीं पीता है और ये सरासर अंधविश्वास है और ये कहना कि ये सांप बड़े बड़े सांप आदमी को पकड़ लेते हैं या फिर गाय को पकड़ लेते हैं तो ये सरासर अंधविश्वास है ऐसा कुछ नहीं होता है ये नॉन वेनमस इंडियन रेड स्नेक जिसको गाँव में धामन बोलते हैं चूहा तो वैसे सांप को पर्यावरण में बचे रहना बहुत जरूरी है इसका मुख्य भोजन चूहा है ये चूहे की ही तलाश में अक्सर गाँव में आ जाते हैं वरना ये किसान का बहुत प्यारा साथी है जो कि खेत में चूहों को ये खाता है और फसल को अच्छा बनाता है और कीट पतंग भी खाते हैं तो ऐसे चीज़ को पर्यावरण में जीवित रहना बहुत ज़रूरी है आराम से डब्बे में पैक करेंगे और किसी जंगल में से छोड़ देंगे धन्यवाद।